स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से ग्रसित पाए गए। 6 अस्पतालों में ही 339 कर्मचारी संक्रमित हैं। भीमराव अंबेडकर अस्पताल में 106 संक्रमित हैं। रवि हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लगातार संक्रमण अब स्वास्थ्यकर्मियों में भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इलाज के दौरान ये स्वास्थ्यकर्मी एहतियात नहीं बरत रहे हैं? बिल्कुल मनीष, देखिए एहतियात तो जरूर बढ़ता जा रहा है, पर पता नहीं चल पा रहा है कि संक्रमण आखिरकार बढ़ता कैसे जा रहा है। हालांकि दिल्ली के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। और खासतौर पर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जो पुलिस है, वो भी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित दिल्ली में हो गए। और स्वास्थ्यकर्मियों की अगर बात करें तो आधा दर्जन जो अस्पताल में, चूंकि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े भी अस्पताल है, तो ऐसे में आधा दर्जन अस्पतालों में कम से कम 500 से ज्यादा अभी तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो है कि संक्रमित पाए गए हैं। तमाम जो नर्सेस लगे हुए हैं, तमाम चिकित्सक जो लगे हुए हैं अस्पताल में, हालांकि लगातार वो लोग सभी पैमाने को पूरी करते हैं। जिस तरह से कोरोना के मरीजों को जांच की जाती है, उसके बाद जब उनका टेस्ट किया जाता है, उनके संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं पीपीई किट से लेकर तमाम वो उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, पर उसके बावजूद भी जो है लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने की कोशिश की, डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है कि आखिर क्या कुछ वजह है कि संक्रमण लगातार अब स्वास्थ्य कर्मियों में भी बढ़ता जा रहा है? देखिए मनीष, डॉक्टर्स का साफ तौर पे कहना है कि संक्रमण जो है लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अस्पतालों में तमाम नियम कानूनों का पालन किया जाता है, चाहे वो पीपीए किट की बात करें, मास्क की बात करें, ग्लव्स की बात करें, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए जी तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी है वो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमित मरीज है या उससे पहले जब जांच की जाती है वो उनके संपर्क में आते हैं, किसी भी तरह से कहा जाए कि भाई एक बड़ा जांच का विषय बना हुआ है कि आखिरकार स्वास्थ्यकर्मियों को कैसे होते जा रहा है। पिछले दिनों की बात करें जो दिल्ली में एम्बुलेंस सेवा देती है, उसमें कहीं ना कहीं 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जो एम्बुलेंस जो मरीजों को लेकर जाती है अस्पताल में, अस्पताल से उन्हें घर लेकर जाती है। तो ऐसे में बड़ा एक चिंता बना हुआ है। नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत